बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ जयपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है और एक प्राइवेट न्यूज चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू को लेकर के ये मामला दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस ने इस मामले की जांच की थी और जांच में पाया कि जयपुर जेल से ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था और इस इंटरव्यू के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल किया गया था। इंटरव्यू आने के बाद लाल कोटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और जांच में पाया गया कि उसके बाद जयपुर में केस दर्ज किया गया। तो ये पूरा मामला सामने आया। दरअसल जेल में बैठ करके इंटरव्यू देने वाला वो शख्स कौन है, जरा ये भी आपको बताते हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लॉरेंस बिश्नोई कौन है जो कि जेल के अंदर बैठ करके, सेंट्रल जेल के अंदर बैठ करके वो एक इंटरव्यू कर लेता है। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में थोड़ा सा आप जानिए। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म जो है पंजाब के एक साधारण से परिवार में हुआ। 12 फरवरी 1993 को लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात थे और कॉलेज के दिनों में लॉरेंस अपराध की दुनिया में सक्रिय हो चुका था। यानी कि जब बच्चा जो है वो अपने भविष्य को लेकर के तैयारी करता है, अपना लक्ष्य तय करता है, उस वक्त ही जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अपराध की दुनिया में एंट्री कर चुका था। कई ऐसे मामले हैं जो कि कॉलेज के समय से ही उसके नाम पर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। तो लॉरेंस पर पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों में शिकायत की गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का भी उसके ऊपर आरोप है और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या के प्रयास का भी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आरोप है। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड, राजस्थान में बड़ा बहुचर्चित यह हत्याकांड माना जाता है और जैसे ही भजनलाल सरकार का गठन होता है उसके तुरंत बाद ही ये गोगामेडी हत्याकांड का ये पूरा घटनाक्रम सामने आता है। शपथ नहीं हुई थी और उसके तुरंत बाद ही जिस तरीके से ये घटना हुई तो उसको लेकर के कई सवाल हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क देश भर के अंदर फैला हुआ है और लॉरेंस की गैंग में 700 गुर्गे हैं जिनमें 400 शूटर्स भी शामिल हैं। तो किस तरीके से ऑपरेट होता है, कौन है लॉरेंस बिश्नोई, ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है क्योंकि जेल के अंदर बैठ करके कोई अपराधी, कोई ऐसा गैंगस्टर जो कि अपना इंटरव्यू उस वक्त एक ऐप के जरिए कर लेता है, किसी एक प्राइवेट चैनल को वो इंटरव्यू भी दे देता है और किसी को कानो कान तक खबर नहीं होती है। अब इस मामले को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है, जैसे कि हम आपको बता भी रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, एक प्राइवेट न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू को लेकर के ही यह मामला दर्ज किया गया है और पंजाब पुलिस ने इस मामले में दरअसल जांच की थी और जांच में पाया गया कि जयपुर की जो जेल है वहां पर इंटरव्यू दिया गया है और इस इंटरव्यू के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल किया गया था। इंटरव्यू आने के बाद लाल कोटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद जब जांच की गई तो उसमें भी पाया गया कि उसके बाद जयपुर में, क्योंकि केस दर्ज कर लिया जाता है। तो ये आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई कौन है जरा एक बार फिर से जानिए, क्योंकि ये वही गैंगस्टर है जो कि सलमान खान को धमकी देता है, जिसके मामले से जुड़ा हुआ बार बार ये चीजें सामने आती हैं जिसमें बताया जाता है कि वो सलमान खान तक को धमकी दे रहा है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का जो जन्म है पंजाब के एक साधारण से परिवार में हुआ। 12 फरवरी 1993 को लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ और लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर काम करते थे। कॉलेज के दिनों में लॉरेंस अपराध की दुनिया में एक्टिव हो चुका था और लॉरेंस पर पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों में शिकायत है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का भी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आरोप है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या के प्रयास का भी आरोप है। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ही जाना जाता रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका सीधा रुख कर लेते हैं। क्योंकि मुबारक, जरा इस मामले को लेकर के बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई मामले को लेकर के जो इंटरव्यू हुआ उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर की जो सेंट्रल जेल है उसमें बैठ करके वो पूरा इंटरव्यू दे देता है, क्या और इससे जुड़ी जानकारी निकली है? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, लॉरेंस बिश्नोई आज देश के कुख्यात गैंगस्टर की उस सूची में शामिल है जो कि देश की सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी है एनआईए की रडार पर भी है और पूरे देश भर में बताया जाता है कि करीब 3000 से ज्यादा बिश्नोई गैंग के शूटर्स अलग अलग राज्यों में हैं और कई बड़े जो उद्योगपति है उन्हें भी एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई है, रंगदारी का ये काम करते हैं, धमकी देते हैं और पैसा वसूलने की जो ये गैंग पूरे देश भर में एक तरीके से नेटवर्क चला रही है और विदेश में बैठे इसी गैंग के सदस्य गोल्डी बराड जो कि बाहर बैठकर पूरी गैंग को संचालित कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो पूरी तरीके से देश में सक्रिय है और उसी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जब आज एक आदेश जारी हुआ
और उसमें राजस्थान पुलिस को भी जो है पत्र लिखा गया है कि यहाँ पर जब लॉरेंस बिश्नोई को मूसेवाला कांड के बाद जब उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही थी, तो इसी बीच जयपुर के एक बड़े उद्योगपति को भी धमकी दी गई थी, उसी दौरान उसे प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाया गया। तो उस दौरान जब उसे जयपुर जेल में रखा गया तो वहां का एक इंटरव्यू सामने आया, एक चैनल को इंटरव्यू दिया गया था, SIT ने अपनी जांच में ये माना है कि वो इंटरव्यू जो है वो जयपुर जेल से दिया गया था। तो उसी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जब SIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो कोर्ट की ओर से राजस्थान पुलिस को भी अब पत्र लिखकर मुकदमा दर्ज करके जांच करने की बात कही गई है। और फिलहाल जो है लालकोटी थाना अधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, और अब राजस्थान पुलिस क्योंकि इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी है और जयपुर जेल का यह मामला है तो अपने आप में एक गंभीर मामला है कि जेल में बैठ के कैसे जूम ऐप के माध्यम से वो एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। अच्छा मुबारक, एक चीज और है, ये बड़ा सवाल नहीं उठ रहा है क्या कि एक जेल के अंदर, सेंट्रल जेल के अंदर बैठ करके कोई गैंगस्टर एक इतना बड़ा इंटरव्यू एक चैनल को दे देता है और प्रशासन के लोगों को कानो कान तक खबर नहीं होती है? हालांकि अब इस मामले को लेकर के भी जांच की जाएगी कि इसमें लापरवाही किसकी है और जेल के अंदर कौन उस वक्त अधिकारी थे जिनकी जानकारी में आया ही नहीं, या जानकारी थी तो उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल ठीक कहा शुभेंदु, क्योंकि देखिए जेल से इस तरह का नेटवर्क संचालित होना अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं, जेल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। और आपने देखा होगा देश की सबसे बड़ी जो तिहाड़ जेल है वहां भी बीते दिनों अचानक जब सर्च चलाया गया जेल प्रशासन और स्थानीय पुलिस की ओर से, तो वहां दर्जनों मोबाइल मिले, जो मल्टीमीडिया मोबाइल थे वहां से सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो डाले जाते थे, वो तमाम चीजें वहां से पकड़ी गई। वैसा ही जयपुर जेल में भी जब बीते दिनों इस तरह की सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वहां से भी कई जो मोबाइल है, अन्य जो उपकरण है वो भी बरामद हुए। तो उसी संदर्भ में ये तमाम चीजें हैं। हालांकि समय समय पर पुलिस अपने स्तर पर अभियान चलाती है, सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन कुछ समय तक तो रोक रहती है, लेकिन उसके बाद फिर से जो है ये तमाम जो चीजें वो शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबारक इस पर जानकारी देने के लिए। तो यानी कि जेल में बंद एक कैदी, एक गैंगस्टर जो कि सेंट्रल जेल के अंदर बंद रह करके एक इंटरव्यू दे देता है और किसी को कानो कान तक खबर नहीं पहुंचती है। हालांकि इस मामले को लेकर के जांच की जाएगी और पूरी जो तह तक परते हैं वो खुलती हुई दिखाई